मैं बना रही हूँ सैरी के लिए अंडे। मैंने दो प्याज बारीक काटे हैं और दो टमाटर काटे हैं और दो चार हरी मिर्च बारीक काट के मैंने टमाटर प्याज का मिला लिया मसाला। अब इसमें डालूंगी मैं नमक मिर्च हल्दी और इसमें डालूंगी अंडे, तो ये बन जाएगा मसाले वाले अंडे। अब मैं इसमें डालूंगी नमक हल्दी मिर्च और सूखा धनिया, बस मसाले में मैं कर लूँगी इसको अच्छी तरह से, मसाले को मैं अच्छी तरह से नमक मिर्च डाल के रला में ला लूँगी ताकि अच्छा सा मसाला बन जाए, फिर मैं इसमें डालूंगी अंडे। अब मैं इधर बना रही हूँ मसाले वाले अंडे और इधर बन रहे हैं पराठे। अब पराठा मैंने डाल दिया, अब इसको लगाती हूँ मैं ऑयल। आंच को कर दूं थोड़ा हल्का। अब देखिए अंडे हमारे तैयार हैं। मैं इसके ऊपर धनिया डाल दिया, पराठा कर लूं पहले उल्टा ये ना हो जल जाए, सारा काम खराब हो गया। अंडे को मैंने धनिया डाल दिया, अब इनको मैं धनिया को अच्छी तरह से कर लेती हूँ मिक्स। पर अंडे हमारे तैयार हैं, इनको कहते हैं मसाले वाले अंडे। देखे कितने प्यारा इनका कलर आया है। इनको मैंने हल्की आग पे रखा है दम पे, थोड़े दम पे ये हो जाए अच्छी तरह से पक जाए, फिर मैं इनको उतारूंगी। मैंने ये लिए तो बना, अगर मैं बनाने लगी हूँ चिकन के कोफ्ते, इसके लिए मैंने लिया ये चिकन का कीमा, मशीन से निकलवाया। और अब मैं ये देखें तकरीबन डेढ़ प्याज है जिसको मैं करूँगी हल्का सा फ्राई, और इसमें पहले प्याज हल्का सा फ्राई हो जाए फिर इसमें मैं बाकी मसाले डालती हूँ, लेकिन इसमें मैंने ऑयल नहीं डाला, बस इसको मैं हल्का सा सौते कर लूँगी। प्याज हमारी देखें गोल्डन थोड़ी थोड़ी हो गई है, मैंने बगैर ऑयल के इसको हल्का सा पैन में सौते कर लिया। अब इसमें जाएंगे ये सारे मसाले, इनको मैं फ्राई पैन में थोड़ा सा रोस्ट करूंगी, फिर मैं इनको ग्राइंड करूंगी। नमक एक टेबल स्पून है, हल्दी 1/4 है, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून है, सूख मिर्च 1 टेबल स्पून है, बेसन 2 टेबल स्पून है, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून है, और खचखाश मेरी 1 टेबल स्पून है, और जीरा 1 टेबल स्पून है। अब मैं ये सारे मसाले डालूंगी इस पैन में, अब इनको भी मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी और फिर इनको मैं ग्राइंड करूँगी, इनको मैं ग्राइंड करूँगी कीमे के साथ। ये देखेंगे सारा मसाला, इसको मैं डालूंगी ग्राइंडर में, इसको मैं कर लूंगी चॉप, चॉपर में डाल के। डालूंगी इसमें देखिए एक अंडा इस मसाले में, अब इसको चला दूंगी दोबारा। अब ये देखें मसाला हमारा अच्छी तरह से हो गया है ग्राइंड, अब इसमें मैं डालूंगी ये कीमा चिकन का और इसको भी साथ चॉप कर लूंगी। कीमा इसके अंदर चला गया, अब ये भी साथ चॉप हो रहा है। इसमें डालना है लहसुन और अदरक, इसमें डालना मुझे याद ही नहीं रहा, अब मैं इसमें मशीन में ही डाल देती हूँ अदरक, और 1 टेबल स्पून ये देखें 1 टेबल स्पून लहसुन, हमें इसको चलाती हूँ। अब ये देखे कीमे के मैंने बना लिए हैं कोफ्ते, और अब मैं बनाऊंगी मसाला ताकि इसमें कोफ्ते डाल दूं। अब ये तकरीबन 3 प्याज है जो मैंने लिए हैं, इनको मैंने ऑयल में डाला, अब इनको मैं करूंगी हल्का सा फ्राई, और इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून जीरा, सफेद जीरा। प्याज को मैं हल्का सा गोल्डन कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। लिए हैं ये 2 टमाटर हैं,
चार पांच हरी मिर्चे हैं, लहसुन है, अदरक है। अब ये प्याज थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो फिर इसमें मैं ये मसाले डालूंगी। अब ये मैं सारे मसाले डालूंगी प्याज में जो फ्राई हो गया। अब इसमें डालूंगी तकरीबन आधा पाव दही। तकरीबन आधा पाव दही है जो इसमें जाएगा। अब इसमें मैं डालूंगी एक प्याली पानी और इस मसाले को मैं कर लूंगी ग्राइंड। मसाला मैंने अच्छी तरह कर लिया कोफ्तों का ग्राइंड। अब इसमें जाएगा एक टेबल स्पून नमक, एक टेबल स्पून मिर्च, एक टेबल स्पून सूखा धनिया और 1/4 हल्दी। अब ये मसाले में डालूंगी जो मसाला हमने ये ग्राइंड किया था टमाटर प्याज का। अब इनको मैं कर लूंगी अच्छी तरह से कुक, मसाला अच्छी तरह से भून लूंगी। नमक मिर्च इसमें मिक्स हो जाए फिर मैं इसमें डालती हूँ कोफ्ते। कोफ्ते डाल के मसाला में अच्छी तरह से भून लूंगी और फिर मैं इनको मैं पानी डाल के इनको थोड़ी देर पका लूंगी तो कोफ्ते हमारे तैयार है। तकरीबन 18 कोफ्ते जो मैंने मसाले में डाल दिए और मसाला अच्छी तरह से भून जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए कोफ्ते हमारे बहुत अच्छे से पकने शुरू हो गए हैं, इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब रोज़ा है तो चख नहीं सकते तो बस अब ये अल्लाह के हवाले है जिसमें जो भी नमक मिर्च है। बस इसका ऑयल थोड़ा ऊपर आ जाए तो बस फिर मैं इसमें डालूंगी तो एक प्याली पानी और थोड़ा सा इसको कुक करके 8-10 मिनट पे चूल्हा बंद कर दूंगी और इसमें अंडे बॉईल करके डालूंगी। अब कोफ्तों का मसाला देखे अच्छी तरह बन के हो गया है तैयार। अब मैं इसमें डालूंगी पानी एक प्याला। अब ढक्कन देके मैं इनको पकने दूंगी 5-10 मिनट फिर मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। कोफ्ते हमारे तैयार मजेदार खुशबूदार। अब मैं बनाऊंगी चिकन टिक्का ओवन में जिसको मैं करूंगी मैरिनेट। इसके लिए मैंने लिया ये देखे लहसुन अदरक एक एक टेबल स्पून और इसमें मैं डालूंगी तकरीबन आधा पाव दही का। ये मेरा पाव का पैकेट है ये मैं आधा डाल दूंगी। इसमें मैं डालूंगी एक टेबल स्पून नमक, मिर्च भी जाएगा और आधी टेबल स्पून काली मिर्च, एक टेबल स्पून चाट मसाला, एक टेबल स्पून सूखा धनिया और एक टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और डालूंगी 1/4 इसमें हल्दी और मैं डालूंगी इसमें 2 टेबल स्पून पेरी पेरी सॉस और 1 टेबल स्पून मस्टर्ड और ये देखिए ये सराचा चिल्ली सॉस है ये इसमें डालूंगी। ये तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून इसके डाले हैं और 1 टेबल स्पून मैं डालूंगी इसमें बारबेक्यू सॉस। अब हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और इसको मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूंगी फ्रिज में और फिर इसके बाद ओवन में इसको मैं बेक कर लूंगी। मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में। अब चिकन को मैंने जो मसाला लगाया था उसको मैंने शीशे की डिश में डाल दिया। अब इसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया। अब इसको मैं रखूंगी ओवन में फिर मैं आपको इसको ओवन में रखती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ।
तो मैंने देखे इसे रख दिए ओवन में पकने के लिए। अब एक घंटे तक मैं इसको यहाँ पे पकाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये बन रहे हैं पकौड़े, और इधर बन रहे हैं रोल, और इधर हो रहे हैं आलू बॉयल। ये देखें पकौड़े बनते हैं।